आपको पता ही है, सबसे पहले जब रामबद्ध जी यहाँ बैठे थे तपस्या के लिए तो इस गांव में पहुंचे थे और हमारे चैनल ने ये खबर दिखाई थी, जिसके कारण से पूरे देश के अंदर ये खबर आग की तरह फैली और बड़े बड़े जो किसान नेता थे उन तक पहुंची। आज हर किसान के पास ये खबर पहुंच चुकी है कि रामबद्ध ओजाना गांव से किसान तपस्या कर रहा है और सात धुनों के बीच। तो आज जिस प्रकार से गुरु नाम चढ़ूनी जी भी आप पहुंचे समझाने के लिए, और राकेश टिकैत 3 तारीख को आने वाले है और एक प्रोग्राम किया गया है गांव वालों की तरफ से 3 तारीख को, तो वहाँ उस दिन भी हम अब तस्वीरें दिखाएंगे। या फिलहाल रामबद्ध जी से आज बात कर लेते हैं, जिस प्रकार से रामबद्ध जी बैठे हुए हैं क्या कुछ कहेंगे। जिस दिन हम आए थे सबसे पहले तो उस दिन बात नहीं होनी पाई, तो आज बात करेंगे रामबद्ध जी से क्या कुछ कहेंगे। फिलहाल एक बार तस्वीरें दिखा देता हूँ, रामबद्ध जी जो सात धुने के अंदर बैठे हुए हैं वो तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा। रामबद्ध जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो नहीं, एनजी न्यूज नरवाना, एनजी न्यूज हरियाणा और स्पेशल हरियाणा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। रामबद्ध जी, आपके साथ हमारी मुलाकात होती रहती है, हमारे चैनल पर आप आते रहते हो, बड़े बढ़ चढ़ कर आप भाषण भी देते हो, बड़ी सुंदर स्पीच भी देते हो। हाँ जी। तो जिस दिन आपके गाँव में पहुँचे कि कोई किसान बैठा हुआ है, तो मेरे मन में मेरे साथ जो कैमरा मैन है मैंने ये बोला भी एक व्यक्ति है अपना प्रिय है उससे मिलना है। हाँ। मैं आपके बारे में कह रहा था। हाँ। लेकिन जब मैंने यहाँ वीडियो बनाते बनाते वो आपका चेहरा देखा तो मेरी आंखें सन रह गई कि ये वही किसान है क्या। हाँ। जिसके साथ की बात मैं कर रहा था। हाँ। तो मतलब एकदम अचानक से बात हुई भी, जिसके बारे में पूछ रहा था वही किसान यहाँ तपस्या के लिए बैठा हुआ। बहुत खुशी मिली भाई, सभी किसानों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए रामबद्ध जी बैठे हैं। तो असली नाम जब उस दिन पता चला रामबद्ध जी नाम है इनका, और एक देश की फसल और नस्ल के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हो। तो आज हम सर ये पूछना चाहेंगे, जिस दिन हम आए थे उस दिन आपके साथ आपका गांव था, मातृशक्ति थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, सभी थे। लेकिन जब हमारी न्यूज हमने यहाँ से दिखाई, पूरा भारत के किसान, पूरा जन जन आपके साथ खड़ा हो चुका है, क्या कुछ कहना है सर? ऐसा है जी, आपसे तो बातचीत, आप टोल के ऊपर हर खबर को चप्पा चप्पे की नरवाने की आवाज को पूरे उठाते हो। पहली बात तो आप नरवाने के बहुत बढ़िया पत्रकार हो, अच्छे हो, आपका चैनल भी अच्छा है। दूसरी बात ऐसा है, हम मीडिया कोई भी है आवाज उठाने का काम करता है, देश का साथी होता है मीडिया। हाँ जी हाँ जी। आज सरकार से भयभीत मीडिया भी हो रहे हैं, लेकिन मीडिया तो अच्छा है, मीडिया कोई माड़ा नहीं होता, मीडिया तो। फिर बाकी ऐसा है कि सरकार ने जो काले कानून बना रखे हैं उसके खिलाफ विरोध में हर जगह बैठे हैं किसान। आज इस देश का मजदूर किसान 6-7 महीनों से, हमने भी ये सोचा भी भगवान का ही नाम ले ले इस धुने से, भगवान से प्रार्थना करें कि प्रधानमंत्री भगवान सतबुद्धि दे, सतबुद्धि दे सरकार को, इस प्रधानमंत्री जी को भी इस काले कानून को वापिस ले ले। नहीं जो कानून बड़ा है देश बड़ा है। अच्छा। देश को तो बर्बाद होने लग रहा, कानून को बड़ा समझ रहे मोदी जी, कैबिनेट के मंत्री जी, कोई भी सतबुद्धि नहीं। सरकार में तो बहुत बड़े कैबिनेट होता है, उसमें कोई तो अच्छा विचार ले ले कैबिनेट के अंदर, भाई प्रधानमंत्री जी ये बात बोली के हाथ ला रहे हैं, अच्छा कर लो कोई। लेकिन अब तक सरकार के कोई जूम नहीं रेंगे जा रही, 6-7 महीनों से इस देश का मजदूर किसान दिल्ली के 50-50 किलोमीटर दूर तक बैठा है सर। हाल देश में हाहाकार मचा हुआ है शुक्रदास सर। जिस प्रकार से आपकी पहचान, पहले आप मानते हो, हम भी मानते भी, गांव तक थी आपकी। हाँ। बाहर भी हो सकती है, लेकिन जो पहचान अब मणि है आपकी पूरे भारत के अंदर। हाँ। किसानों के अंदर किसान नेता आपको एक चेहरे से पहचान। हाँ। चुके हैं कि रामबद्ध ओझाना गांव से तपस्या। हाँ। के लिए बैठा हुआ है। हाँ। तो आज आपको खुशी भी महसूस होती होगी सर? हाँ खुशी तो यही है भी के, लेकिन भाई भगवान से मैं नहीं कहता हूँ, भाईचारा तो कर ले अच्छी बात बने की खुशी होती है। कभी बन जाए छत्तीस जात का ओझाना खाप का नोगा में, इसका बड़ा भाईचारा बहुत बढ़िया है। छत्तीस जात मजदूर किसान सारा मिलके लड़ाई लड़ रहा है, मिलके चलते हैं इस खाप के मजदूर किसानों का बड़ा मेल है, और सभी अच्छा कार्य के लिए भी इस देश का प्रधानमंत्री सुखते कानून को वापिस ले ले। लड़ाई तो आर पार की, मैंने तो चिंता ही है कि
ये परमपिता परमात्मा इस लड़ाई को टाल दे। बहुत बड़ी देश के अंदर है ईंट का जवाब पत्थर से मिलने वाला, अच्छा उसको टाल दे जो परमात्मा टाल दे। सरकार में बैठे हुए लोगों ने पता नहीं है कि बहुत बड़ा होगा क्या क्या। सर देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या कोई भी नेता एमएलए आपकी वीडियो देखता होगा, हाँ। तो क्या आपकी तरफ से जवाब देगा इस सरकार को तीन काले कानून के ऊपर? सर तीन काले कानून उनके ऊपर सर क्या जवाब रहेगा? सर जवाब काले कानूनों के ऊपर क्या रहेगा? उन्होंने सत्ता पक्ष से बी पक्ष कोई तो आवाज उठाओ भाई, सत्ता पक्ष ने तो वापिस लेना है, बी पक्ष उसको मजबूर बनाए तो ताय कि इस देश के किसान ने खड़ा होना पड़ा। अगर जो इस देश का बी पक्ष खड़ा हुआ है तो सत्ता में बैठे लोगों ने मजबूर कर दिया, इस देश के किसान ने शायद सड़कों पर ना आना पड़े, अच्छा। तो विपक्ष उसको मजबूर कर देता, अच्छा। तो इसके काले कानून को पहचान गए इस देश का किसान भी, तो ठोपे गए ना कि सत्ता पक्ष ना विपक्ष। ठीक है विपक्ष तो कर कुछ करता है तो विपक्ष कौन सुनेगा? तो सर आपके मन में ऐसा क्यों आया? जैसे विरोध करने का अलग अलग तरीका हमने देखा था, लेकिन साधु महात्मा तपस्या करते हुए देखे है, हाँ। आपने यही रास्ता क्यों चुना कि तपस्या करेंगे हम, और तपस्या के रास्ते से क्या पता सरकार हमारी बात सुन ले? हाँ जी, बस ये सरकार में नहीं सुन ले हैं, इसमें भगवान से निवेदन करेंगे। अच्छा अच्छा, भगवान से बड़ी नहीं है सरकार, भगवान बड़ा है सरकार छोटी। हाँ जी हाँ जी, सरकार भगवान के आगे कीड़ी मकोड़ी के आसमान भी नहीं है। हाँ जी, भगवान बहुत बड़ी चीज है, तीन लोक का राजा है भगवान, तो सबको देता है, तो उसी पे मांग ले। मखा ये सरकार काले कानून वापस ये लेने की बजाय ये ना लेती थी कोई नहीं कल्याण, तो भगवान तो सोचे कुछ, भगवान इसको सत्बुद्धि दे दे भाई, इसको काले कानून को वापस ले ली, तो सोच तो ये सोचिए। अच्छा जी, हाँ अच्छा, जो ये जगह देखिए यहाँ पर पहले भी कोई बाबा जी तपे तो हुए क्या? ना कोई नहीं तपे यहाँ पर, ये अपनी जगह है, अपनी जगह जी, हाँ खुद की जगह अपनी। अच्छा, और तो मतलब आपने तो प्रसिद्ध कर दी पूरी पूरी भारत के अंदर प्रसिद्ध कर दी है जगह भी, आप तो प्रसिद्ध हो गए साथ साथ में जगह ही प्रसिद्ध होगी। जगह प्रसिद्ध लगा लो भी और क्या करिए, इसमें बैठने का गांव वाले हैं जो, हाँ। यहाँ बच्चा भी बैठा है, बुजुर्ग भी बैठे, महिलाएं भी है, नौजवान साथी भी है, तो इनका कितना साथ है आपके साथ सर? ये मेरे सारे बिल्कुल ही है, ज्यादा चिंतित ये नहीं है, लोग चिंतित ज्यादा है, ये इनकी चिंता है इस काला कानून की, 36 जात के लोगों ने मिलकर, ये इनकी ज्यादा है बिल्कुल, हमने नहीं इतनी जितनी इनकी है, ये बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। हम तो भगवान का निवेदन कर रहे हैं भाई, परमपिता परमात्मा से भाई मतलब इनकी चिंता पूरी करें। सर दो बात पूछना चाहूंगा मैं, हाँ। एक बात ये भी, हाँ। जब आप यहाँ तपस्या में बैठे हुए हो, अभी तो आज थोड़ा ठंडा मौसम है, तपती गर्मी थी जिस दिन हम आए थे, पूरा वहाँ खड़े होते हुए भी हमें गर्मी ज्यादा लग रही थी और आप बीच में बैठे हुए थे, तो क्या आपको कोई तकलीफ महसूस होती है अभी यहाँ बैठे हुए? मतलब कोई तकलीफ महसूस होती हो तो सर? वह जी शरीर सच बरियावे है, जैसे नूरे जैसे बैल का कंधी आ जग रहे नहीं? अच्छा जी, उसी कंधी में तेड़ सी हो जग रहे, अच्छा। नहीं हो रही इसमें की, फिर भी आपने मन में ठान रखा जी? हाँ जी ठहर घर, फिर भी क्या करिए, तो उस बात से महाजी परमात्मा के नाम पर नु कह दिए भाई, भगवान के नाम पर जो कुछ होना हो जाए। जैसे बड़े बड़े नेता जैसे गुरु नाम चढ़ूनी भी आया, रतन मान भी कल पहुंचे थे, तो समझाने के लिए पहुंचे हैं, तो क्या आपकी तरफ से 3 तारीख को रास्ता क्यों चुना? तीन तारीख को ही हम फैसला करेंगे। 3 तारीख को हमने कुछ नहीं किया, हम तो ये कहते हैं 3 तारीख को तो सारे आवे हैं यहाँ पर, अच्छा। उजाने में सभी नेता आवे, किसान नेता और पूरा हरियाणा से पंजाब से सभी किसान नेता पहुंचेंगे, उत्तर प्रदेश से यूपी से, पूरा कोई कठिन होने जा रहा है, पूरा स्टेडियम में यहाँ धूने पे धोख लगा कर फिर वहाँ जाएंगे वो लोग, उनका निर्णय क्या लड़ा। अच्छा ये पूछना चाहूंगा, जैसे आपकी बात है आप पे डिपेंड करता है, जैसे अभी तक आप जो बैठे हो सिर्फ आपके हट के कारण, अब आप कहते हो कि हम बैठूंगा तो बैठे है, हाँ। क्योंकि आपसे बड़ा क्यों नहीं, क्योंकि तपस्या आप खुद कर रहे हो, हाँ। तो क्या 3 तारीख को आप जो बड़े नेता है वो आपको समझाएंगे मान जाएंगे, या आपका कोई लंबा तपस्या चलेगी सर? ये थोड़ा सा इस बात को जवाब चाहिए। मेरी तो लंबा तपस्या करने की संभावना है, देखे हुए मजबूर करेंगे तो मजबूर कह कर दियो, लेकिन मेरी तो मतलब ये आपका है, दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता बिल्कुल भी, लंबी तपस्या की सलाह है, यही है भगवान से निवेदन करके यही बैठे हैं, और लेकिन वो मजबूर करेंगे तो वो देखी जाए तो बड़ी खबर आपको दे देते हैं, जिस प्रकार से बड़े संशय बड़े ऐसी लगाई जा रही थी, अटकलें लगाई जा रही थी कि जो रामबज ये 3 तारीख को अपना जो तपस्या खत्म करने वाले हैं, लेकिन रामबज की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि मैं मजबूर नहीं होना चाहता, मैं ये तो तपस्या है 3 तारीख को खत्म नहीं करूंगा, ये मेरी तरफ से फैसला है, फिर भी अगर मजबूर करेंगे तो मैं उसको इसके लिए पीछे नहीं हटूंगा, मजबूर करेंगे लेकिन फैसला ये है कि आगे ये लंबा चलेगा जो इनकी तपस्या का रास्ता है, हाँ। तो फिलहाल हम उस बात करते हैं सर,
अगर जो किसान नेता आपको समझाते हैं तो क्या रहेगा सर आपकी तरफ से फैसला? ऐसा है जी, मैं मजबूर करेंगे तो क्या करिए, करने लग रहे हैं, आए जाए जाते हैं, मैं किसान नेता हूँ तो आने के लिए मान सम्मान करते हैं, पर मैं करिए जे करिए क्या। अच्छा जी, भगवान से पूरी निवेदन कर लें दो। अच्छा जी, परमात्मा से निवेदन कर लें तो मैं ये कहता हूँ, लेकिन 3 तारीख को भी क्या हो जाएगा, 3 से भी आगे चलने दो और मेरे को भगवान का रास्ता रख लगे रहने दो, मेरे को ना ठाए ना ठाए। अच्छा, मैं तो ये कहता हूँ सभी से, किसान नेताओं से, लेकिन किसान नेताओं आए कहा रहे जा रहे, कभी चुरूने जी, कभी टकाज जी, कभी और कोई, कभी और कोई, कभी खापा के लोग आते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसको आगे बढ़ने दो, परमात्मा का नाम लेने दो, परमात्मा सब कुछ करेगा। एक काला कानून के वापिस इस देश के प्रधानमंत्री को सतबुद्धि सारे कैबिनेट को यही देगा। अच्छा, ये रास्ता अच्छा है। अच्छा, हाँ, ये भगवान से ही दरखास्त दो, भगवान से लड़ो, भगवान के घर में दरखास्त देगी ना, वो तो भगवान से बड़ा कुछ नहीं है। मोदी जी और भी कोई भी कद भी प्रधानमंत्री हुए, तिल के बाल के समान भी नहीं होता है, बड़ा तो भगवान का ही दर्जा होता है, भगवान का दरबार बहुत बड़ा है, इसलिए सद्गुणों के अंदर बैठ के, ये धरती माता सबकी माता है, इसके लिए यही बड़ी बात है कि हम 3 तारीख को देखो जो मजबूर कर रहे हैं, हम मानने नहीं है, हम ये सोचते हैं इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो रामबज ओझाना से थे जो तपस्या कर रहे हैं यहाँ पर, लगातार जो किसान नेता है, किसान अलग अलग टोलों से पहुँच रहे हैं समझाने के लिए कि आप जो तपस्या है इसका रास्ता छोड़ दीजिए, लेकिन रामबज की हट है, रामबज जी मस्जिद पर अड़े हुए हैं कि लगातार आगे बढ़ती जाएगी ये तपस्या, मजबूर ना करें मुझे ये रास्ता छोड़ने के लिए, मैं ये काम करता रहूँगा, तपस्या करता रहूँगा, नस्ल और फसल की लड़ाई में सबसे आगे अब निकल चुके हैं रामबज जी, पूरे देश के अंदर इनका नाम, जैसे राकेश टिकैत का नाम आया था उछल कर, इनका नाम अब सबके आगे, फ्रंट के आगे आ चुका है रामबज जी का नाम। और सभी किसान नेता भी कहते हैं कि जो आपके परिवार के मेंबर है या आपकी बेटियां हैं, वो अब पूरे आपकी नहीं, पूरे भारत की बेटियां बन चुकी है, और सबका फर्ज यही है कि हम उनका भी ख्याल रखेंगे, फिलहाल आपका भी ख्याल रखना जरूरी है, तभी समझाने आप पहुंचे थे। सर क्या कुछ कहेंगे, हमारा चैनल भी लगातार आप किसानों की खबरें दे रहा है और सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचा था, तो क्या कुछ कहोगे हमारे चैनल के बारे में? सर चैनल आपका बहुत बढ़िया खबर देता है जी, बिल्कुल भी चप्पे चप्पे की, मेरे ख्याल में जींद डिस्ट्रिक्ट में नरवाने की बड़ी खबर देता है, बहुत बढ़िया, सेकंड से सेकंड हमने पहले में देखी है, अच्छा चैनल है, बहुत बढ़िया, आप पत्रकार भी अच्छे हो, बड़े नहीं हो, बिल्कुल पूरी आवाज छाने वाले, समझदार हो। ठीक है, रामबज जी से कई बार मुलाकात हो चुकी थी पहले, लेकिन इस रूप में आप देख सकते हैं दूसरी बार मुलाकात है, उस दिन तो बात नहीं करी, आज बात करी, तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों के पास शेयर कर देना, उस दिन भी आपने पूरा। हाँ जी, करसिंधु गांव का बैठ जाऊं मैं। हाँ जी, हाँ जी, करसिंधु गांव जींद जिला में बहुत बड़ा गांव है, बढ़िया गांव है, करसिंधु गांव का बैठ जाऊं मैं, करसिंधु गांव के पूरे लोगों ने पूरा हरी नुन्ने से, वो भी मजबूत लोग हैं, तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, हाँ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर देना। आप सभी दर्शकों का प्यार उस दिन भी ऐसे ही बना रहा और अभी भी बना रहा है, उस दिन आपने इतना प्यार दिखाया कि वीडियो पूरे भारत के अंदर फैली थी। भाई रामबज, भाई रामबज, जय जवान, जय जवान, जय जवान, संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा, पंजाब हरियाणा एकता।